गांव में इतनी हरियाली, शहर में देख के आपको लगता है यार जमीन ही खत्म हो गई, घर बनाने के लिए जगह नहीं है और आदमी ज्यादा है, लैंड कम है। लेकिन जब आप गांव में आओगे ना तो देखो ग्रीनरी इतनी है ना भाई साहब, शहर का पॉल्यूशन IQ लेवल जो होता है वो 480-500 पहुंच जाता है। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट, एकदम खाली हरियाली, वनली ग्रीनली मिलेगी आपको। देखो जहाँ भी देखोगे ना वनली ग्रीन एंड ग्रीन, कोई एडिटेड नहीं है, लाइव लाइव फुटेज है आपकी। देखो केवल ग्रीन 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 ही मिलेगा हमारे गांव में, तो बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट। अरे बताएंगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कहाँ जा रहे हो। तो गाइस देखिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग कैसे बताओगे, आप लोगों को पता ही नहीं, पहले ये बताएगा तभी तो आप लोग बताओगे। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं आज घूमने, आज बहुत ही दूर, यहाँ से अराउंड 25-30 किलोमीटर दूर। तभी हमारी गाड़ी आने वाली है, इधर से गाड़ी आएगी, अभी मैं गाड़ी दिखाऊंगा। और पूरा आज आपको गाँव की खूबसूरत वादियाँ दिखाते हैं, हरियाली दिखाते हैं। देखिए कभी कभी गए गाँव में, अगर शहर से उब जाओ तो गांव में आके घूमना चाहिए, और गांव की जो फ्रेश एनवायरनमेंट है, ताज़ा हवाएं लेनी चाहिए, बीमारी से दूर रहेगा इंसान, आधी बीमारी तो ऐसी भाग जाती है। और अगर आप सिटी में रहते हो तो वहाँ पे पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन, मतलब और प्रदूषण पॉल्यूशन तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं घूमने आज, और अभी गाड़ी आ रही है, गाड़ी में बैठेंगे और फिर आपको आगे का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बेस्ट एनवायरनमेंट है, पूरा ग्रीनरी चारों तरफ, रहना बाहर ग्रीनरी इतनी है ना, आपको सिटी में देख लगता है ग्रीनरी ही नहीं बची है, लैंड जमीन ही नहीं बची है, खाली लग ग्रीनरी की बात छोड़ दो, बट यहाँ पे आप देखोगे ना जहाँ भी वनली ग्रीन ग्रीन चीज़ दिखेगी आपको। देखिए फ्लावर्स वगैरह सब मिल जाते हैं यहाँ पे, वेरी वेरी ब्यूटी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और उधर से गाड़ी आ रही है, वो दूसरी गाड़ी है, वो हमारी गाड़ी नहीं है। और देखिए इधर ये हमारा धान का खेत है, यहाँ पर चावल धान लगा हुआ है और ये बिल्कुल पक चुका है, अब कुछ देर में कटने लग जाएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी। और यहाँ पे धान की खेती है, और उधर देखो ग्रीनरी, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी ना आपको वनली ग्रीन 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 एनवायरनमेंट। तो गांव का जो एनवायरनमेंट होता है, गांव में इसलिए भी मन लग जाता है क्योंकि यहाँ का 3 महीने में चेंज होता है। ये लोकेशन जो आपको लुकिंग जो लुक दिख रहा है ना, लोकेशन दिख रही है, ये चेंज हो जाती है। सिटी में सेम चीज़ हमेशा 12 महीने वही सेम जैसा एक एनवायरनमेंट बना होता है, सब चीज़ सेम रहता है, बट यहाँ पर 2-3 महीने में चेंजेस होते रहते हैं। अभी देखो ये धान का खेती है, अभी फूल लगेंगे, बड़ा हो जाएगा धान लगेगा, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, फिर धान कट जाएगा, फिर लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर गेहूं लगेगा, थोड़ा थोड़ा गेहूं होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा लुक। गेहूं जब बड़े होंगे, सरसों के फूल आएगी, बिल्कुल चेक हर को देगा, येलो येलो दिखेगा, मतलब इस तरह से एनवायरनमेंट 2 महीने पे चेंज होता रहता है। यही वजह है कि गाँव में जो है ना वो अकेले भी दिल लग जाता है, अकेले भी रहोगे ना तब भी आप यहाँ पर बोर नहीं होगे। और बाकी बातें आपको बताएगा रेहान, तो चारों ये मलात बताओ रेहान कहाँ जा रहे हो तुम, जर देखो मैं जा रहा हूँ सीमा फूफी के यहाँ। सीमा फूफी के आने जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं फूलपुर, फूलपुर से और जाएंगे 10-15 किलोमीटर आगे, बाकी का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी पे और हमारी गाड़ी चल रही है। देखिए एनवायरनमेंट कितना अच्छा खूबसूरत नजारा है सामने का, आधा सुकून तो इसको देख के, वादियों को देख के आधा सुकून मिल जाता है। और जो हरियाली है ना ये बहुत ही बढ़िया हरियाली है। तो देखिए अभी मेन रोड पे आ गए हम लोग, गांव वाली रोड से निकल के मेन रोड पे, ये सीधा रोड जाती है फूलपुर, यहाँ से 20 किलोमीटर फूलपुर है। और अभी हमें इस रोड पे काफी आगे तक चलना है, अराउंड 20 किलोमीटर पूरा ही चलना है, 20 किलोमीटर को पार करके फिर आगे भी 10-15 किलोमीटर जाना है। तो अभी हम जो जहाँ पे जा रहे हैं वो बहरिया इलाका लगाता है, वो फूलपुर से 15 किलोमीटर और आगे है। तो देखिए आप लोग हरियाली का मजा लीजिए, ग्रीनरी का नजारा देखिए, और वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो गाइस अभी हम लोगों ने तय कर लिया है लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता। तो अभी आ गए हैं हम लोग, ये इनायत पट्टी है, इनायत पट्टी सामने लेफ्ट साइड पे देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, उसकी मीनार दिख रही है, और जो एरिया है वो काफी ग्रीन है। तो यहाँ पे ऑल एरिया जो बिल्कुल ग्रीन है, क्लीन है, कहीं भी चले जाओ तो देखिए मस्जिद की मीनार वहां पे दिख रही है दूर पे, और गाड़ी काफी स्पीड में है तो सही से दिख नहीं पा रही है। और सामने भी एक गाँव आने वाला है, उसका नाम है महरूपुर। तो हम लोग महरूपुर पहुंचने वाले हैं,
और गाड़ी की काफी हाई स्पीड पे चल रही है। और सामने यहाँ पे एक मस्जिद और है, उसकी भी खूबसूरत मीनार है, देखिए वो बहुत ही दूर पे दिख रही है। तो मस्जिद यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। तो ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, काफी सारे मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, तो मस्जिद वगैरह बहुत ही बढ़िया बनवा रखी है इन लोगों ने। तो देखिए मीनार कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, काफी अच्छी मीनार बनी हुई है। तो अभी ये हम लोग आ चुके हैं महरूपुर। अब यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर का फासला भी और बचा हुआ है, 10-12 किलोमीटर का फूलपुर के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइज बिल्कुल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में। देखिए गांव की रोड है, ये धूल मिट्टी उड़ रही है बहुत ही ज्यादा, लेकिन हरियाली आपको यहां भी मिलेगी। तो मेरा मेन फोकस जो है ना वो ग्रीनरी पे है, ग्रीनरी बहुत ही बढ़िया है, देख के बहुत एक सुकून अलग सा मिलता है। और देखिए ये गांव की रोड है और अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, गाड़ियां साइड में लगेगी। और तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और देखिए यहां पे नाश्ता पानी लग चुका है बहुत सारा, और रेहान बैठा हुआ है और अपना स्टार्ट हो गया रेहान नाश्ता करने के लिए, प्यास बहुत तेज लगी हुई थी सबको, तो फटाफट नाश्ता करेंगे। तो चलिए अभी अब वीडियो बाकी की बाद में दिखाएंगे, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। आज इस वीडियो को यहीं पेंट करेंगे, बहुत ही लंबी हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी जरूर